कैसे समझाऊं मैं मामा को कि मेरे मेरे दिल की खुशी आखिर क्या है। मैं कैसे करूं समझौता अपने ख्वाबों का। और मामा वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। कैसे हो गए शाफे? आप कहाँ हैं? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप पिक ही नहीं कर रहे थे, बिजी थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा फोन साइलेंट पे था। सारा आंटी की तबीयत कैसी है? आप कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? पहले से काफी बेहतर है ना, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं। जो हमारी नौरीन खाला है ना, वो वैसे ही हर बात पे कुछ ज्यादा परेशान हो जाती। चलो अल्लाह का शुक्र है, वरना बाबा ने जब से सुना है वो परेशान हो गए थे। और मामा की एक ही टेंशन थी कि शाफे ने वहां जाकर कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मामा की वजह से उनसे ज्यादा बात ही नहीं हो पाई, लेकिन ताया जी से तो अच्छी खासी बात हुई थी मेरी। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, इजाजत क्यों ले रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं वाकई में परेशान हूँ? बस जिनकी फिक्र रहती है उनके मुतालिक मुझे पता चल जाता है। तुम बहुत अच्छी होते, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं वो अपनी जात से हमेशा लापरवाही बरतते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अपना ख्याल रखती हूँ मैं, तो फिर खुश क्यों नहीं रहती दिल? शाफे जिंदगी में ऐसा कोई रंग नहीं बचा जिसकी वजह से खुश हुआ जा सके। जीने की उमंग किसी भी हाल में मरने नहीं देनी चाहिए। और अगर जीने का मकसद ही ना रहे फिर भी जिंदगी खत्म नहीं होती थी। जब तक जिंदगी रहती है उमंग मर नहीं सकती। अपने अंदर जिंदगी को मरने मत दो थे। अभी तो बहुत से इम्तिहान आएंगे जिनसे जिनमें तुम्हें कामयाब होना है। गमों से समझौता करना इतना आसान नहीं होता शाफे, आप नहीं जानते कितनी अज़ियत से गुजरना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी बाहिम्मत लड़की ऐसी बातें भी कर सकती। कभी कभी जिंदगी इतने इम्तिहान ले आती है, इतने सवाल लाके खड़े कर देती है जिनका जवाब देना इंसान के बस की बात नहीं होती। दिमाग सुन हो जाता है। जिंदगी आजमाइशों के साथ साथ खुशियां भी लाती। उसके दिए हुए इम्तिहान को सबर और हिम्मत से पूरा करने के बाद ढेर सारी खुशियां मिलती। मैं तुम्हें कभी ये मशवरा नहीं दूंगा कि तुम हिम्मत हार के अपने जीने का मकसद ही खत्म कर दो। हाँ लेकिन लेकिन तुम्हें ये यकीन जरूर दिला सकता हूँ कि मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आपका इंतजार तो मैं बरसों से कर रही। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का गम नहीं। इस एतबार के लिए शुक्रिया दिल। मैं तुमसे वादा करता हूँ सफर की सारी मुश्किलात और तुम्हारे सारे दुख अपनी मोहब्बत से खत्म कर दूंगा। मुझे इंतजार रहेगा शाफे, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। सारा किस खुशी में इतनी सारी मिठाई ले आई हो? है ना एक खास बात। अच्छा ऐसी कौन सी खास बात है, मुझे भी तो पता चले। ऐसी बात है कि जिसे सुनकर तुम भी बहुत खुश होगी। अरे सारा क्यों पहेलियां भुजवा रही हो, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी खास बात है। थोड़ा सा सबर कर लो, बताती हूँ। अरे कैसे सबर करूं, तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी आए और मुझे पता ना चले, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जानती हो ना सारा तुम्हारी जिंदगी के गम और खुशी मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। सही कह रही, बहुत साथ दिया तुमने मेरा हर अच्छे दिनों में।
अगर तुम ना होती ना यास्मीन, पता नहीं मेरा क्या हाल होता। कैसी बातें कर रही हो सारा, मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। तुम मेरी वाहिद दोस्त हो और तुमने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया है। बस इसीलिए अब इस दोस्ती को मैं एक रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। रिश्ते में? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे साफ सी बात है, मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ। अमानत? सारा तुम्हें अभी तक वो बात याद है? कैसे भूल सकती हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही है। बस अब वक्त आ गया कि मैं तुमसे अपनी अमानत मान लूं। तो बताओ कब लेने आऊं अपनी बेटी? फरी तुम्हारी बेटी है सारा, मुझे तो इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जिंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है ना। हमारी खुशी से ज्यादा हमें अपने बच्चों की मर्जी को अहमियत देनी चाहिए। बात यह यास्मीन, उम्र के जिस हिस्से में हम पहुंच गए हैं और जो अच्छे बुरे तजुर्बात हमने देखे हैं किए हैं, मेरे ख्याल से हमसे बेहतर हमारे बच्चों के लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकता। और फरी को तो मैं अपने हथेली का छाला बना के रखूंगी, चाफे से भी ज्यादा प्यार करूंगी, तो फिक्र ना करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर फरी ब्याह कर तुम्हारे घर जाए। बस एक दफा मुझे फरी की मर्जी मालूम करने दो। तो बुलाओ ना, अभी पूछ लेते हैं ताकि मंगनी की डेट भी डिसाइड कर ले। ओहो, तुम तो हथेली में सरसों जमाने पर तुली हुई हो, कुछ वक्त तो दो। नहीं, अब और इंतजार नहीं होता, बस अब दिल करता है कि अपने बच्चों की खुशी जल्द से जल्द देखें। इंशाल्लाह वो वक्त भी जरूर आएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ कि शाफी कैसा है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे मैंने काम से भेजा। तुम फरी को बुलाओ, मैं अपनी बेटी से तो मिल लूं। हाँ वो कमरे में, अभी बुलवाती हूँ। जो कुछ मैं ख्वाबों में देखा करती थी, शाफी और मेरी शादी, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो सब हकीकत बनकर मेरे सामने आ रहा है। शाफी मेरा होने जा रहा है। ये शाफी बहुत छुपा रुस्तम निकला, डायरेक्टली सारा आंटी को भेज दिया और मुझे बताया भी नहीं। मेरा नाम भी फरहीन अली है, मैं भी उगलवा के रहूंगी। मैं भी छोड़ने वाली नहीं। और हाँ रमीज कैसा है, कब आ रहा है? अगर एक दो महीने में आ रहा है तो फिर उसका इंतजार कर लेते हैं, उसके आने के बाद मंगनी करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, आज फोन पर बात करूंगी ना रमीज से, तो उससे मालूम करूंगी। और वैसे रमीज के लिए भी तो लड़की ढूंढनी है, अब की दफा आएगा तो शादी करवा के भेजूंगी। एक्सलेंट, वाकई हम सब बच्चों की खुशियां इकट्ठे देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, अल्लाह ताला सबको ये मुबारक वक्त देखना नसीब करे। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं, खाना मेरे साथ खा के जाना। तुम ऐसा करो कि शाफी को भी कॉल करके बुलवा लो। यार कुछ भी बनवा लो, मेरा खाने में कौन सा नखरा है, अब प्लीज फरी को बुलवा दो। अरे बातों में तो मैं उसे बुलाना ही भूल गई। इराम, इराम। जी मीमी जी। वो फरीन को कमरे से बुला के आओ। जान तो मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, बुलवा कर ही रहूंगी सारी बात। और जब तक अपने मुंह से इकरार नहीं करेगा, हाँ नहीं करने वाली, खूब तंग करूंगी मैं। छोटी बीबी, बड़ी मालकिन बुला रही है, उनकी दोस्त आई है। हाँ हेलो शाफे, कहाँ थे तुम, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ वो मेरा फोन साइलेंट पे था। एनीवेज तुम बताओ क्या बात।
सब ठीक है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों कॉल कर रही थी? देखो फरी, तुम जानती हो कि मुझे भी टेलीपैथी नहीं आती। अन्य साथ है तुम्हारे क्या? नहीं मैम, अकेला हूँ। अब बताओ क्या कहना। दिल की बात जानने के लिए किसी टेलीपैथी की जरूरत नहीं होती। अगर ये बात है तो आई एम रियली सॉरी, मैं एक आम सा इंसान हूँ और मुझे दिल की जुबान बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए प्लीज मुझे सिंपल सी जुबान में बताओ कि आखिर बात है क्या। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी फरी, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक राइट नाउ। मुझे समझाओ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। देखो शाफे, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुमने मुझे खुद वो सब क्यों नहीं बताया जो सारा आंटी बताने आई थी। और अगर ये सरप्राइज मुझे देना था तो खुद क्यों नहीं कहा? आज शाम को सारा आंटी आई थी हमारे घर। तुम क्या कह रही हो फरी, कैसा सरप्राइज? मैंने तो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज अरेंज नहीं किया। क्या मतलब, तुम्हें सारा आंटी ने नहीं बताया क्या? क्या बताया? अरे अब चुप क्यों हो, बता भी दो। सारा आंटी आई थी आज शाम को। हाँ तो शाफे, वो मामा से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई थी। इनफैक्ट वो तो आज ही मंगनी की डेट फाइनल करने का कह रही थी। लेकिन मामा ने कहा कि वो पहले मेरी मर्जी मालूम करेंगी, फिर कुछ फाइनल करेंगी, और मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। शाफे, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, ये तुम क्या कह रही हो यार? ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे घर जाएं और मुझे बताएं भी ना? ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें सारा आंटी ने नहीं बताया? देखो फरी, अभी मामा की कॉल आ रही, बीच में मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ, तुम मेरी बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करती हूँ। खुदा हाफिज़। नहीं, परसों डेफिनेटली हो जाएगा। आप मेरे रिसेप्शनिस्ट से बात करें। जी बिल्कुल। हाँ हाँ मामा, प्लीज फोन बंद करें, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी। जी बिल्कुल, परसों का, नो वरीज जी। ये क्या बदतमीजी है शाफे, इतनी क्या इमरजेंसी हो गई है? आप आज जासमीन आंटी के घर क्यों गई थी? तुम्हारे रिश्ते की बात करने। मामा मेरे मना करने के बावजूद आप वहां चली गई, जबकि मैंने आपको वाज़े अल्फाज में अपना फैसला सुना दिया हुआ है। तुम्हारे फैसले की अहमियत मेरी दी गई ज़ुबान से ज़्यादा कब से हो गई है मिस्टर शाफे? फॉर गॉड सेक, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तो समझ तो तुम्हें भी नहीं आ रही, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत फैसला कर सकती हूँ? आप जो भी कहें, लेकिन मैं फरहीन से शादी नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे, वजह क्या है? मामा वो जिस तरह का लाइफ पार्टनर मैं चाहता हूँ, फरीन वैसी नहीं है। नहीं शाफे, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि तुम्हें भी अपने बाप की तरह मुझे अजियत देके सुकून मिलता। देखे मामा, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना मेरा हक है और यह हक आप मुझसे छीन नहीं सकती। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे तुम्हारा हक छीन रही हूं? ऐसी बात नहीं है मामा, मैं शाफे बस, मैंने यास्मीन को जुबान दे दी है और यास्मीन वो औरत है जिसने जिंदगी में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे कितनी बड़ी भी मुश्किल हो। अब मैं उससे इनकार कर दूं, उसके एहसानात का बदला इस तरह चुकाऊं? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप
यास्मीन आंटी के एहसानात का बदला मेरी जिंदगी उजाड़ कर चुकाना चाहती। देखो शाफे, प्लीज इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम जाओ। बाद में भी मेरा जवाब यही होगा मामा, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, मैं फरहीन से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैम गाड़ी अचानक बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा चेक करें जाकर। जी क्या हुआ? मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। स्टार्ट करके देखे ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। नहीं स्टार्ट नहीं होगी, मैकेनिक को देखना पड़ेगा। ये दोस्त है मेरा मैकेनिक, उसको बुला ले। यहाँ करीब में कोई वर्कशॉप नहीं है? नहीं यहाँ वर्कशॉप नहीं, मैं मैकेनिक को फोन करके बुला लेता हूँ। ठीक है मैं तब तक बाबा को फोन कर लेती हूँ। जी ठीक है। हेलो बाबा। बाबा वो हमारी गाड़ी खराब हो गई यहाँ पे। थैंक यू बाबा। ओके ओके लाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन आप यहाँ पे कर रही थी वैरान सुसान सड़क पे? अकेली नहीं हूँ, ड्राइवर के साथ थी, यूनिवर्सिटी से आ रही थी तो गाड़ी खराब हो गई। ओह आई सी, वेल दैट्स वेरी सैड। चलिए आइए मैं आपको ड्रॉप दे देता हूँ, आप गाड़ी के ठीक होने तक तो यहाँ खड़ी नहीं रह सकते। नहीं नहीं मैंने बाबा को फोन किया है, वो दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। अरे बाबा को जहमत देने की क्या जरूरत है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं आपको खामखा जहमत होगी। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, आपके लिए कुछ करना तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। एक काम कीजिए मुझे अपने ड्राइवर का नंबर दीजिए, लेट मी टॉक टू हिम। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर उमर। देखिए वो दिल को मैं ड्रॉप दे दूंगा, आप प्लीज मत आइए। जी 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 नो वरीज। जी जी थैंक यू थैंक यू। प्लीज मुझे खुद का भी एहतसाब करना चाहिए, जाने अनजाने में कहीं मैं अपने इकलौते बेटे के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही। मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि अपने हाथों से उसकी खुशियों का कत्ल कर दूँ? मैं माँ हूँ उसकी, उसके लिए बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब करने वाली, और फरहीन मेरा बेहतरीन इंतखाब है।
मुझे जल्द से जल्द फरीन और शाफे की मंगनी कर देनी चाहिए ताकि रिश्ते की नौयत बदले तो दोनों एक दूसरे के मिजाज को उस हिसाब से समझ सके। ये मुनासिब रहेगा, इससे पहले शाफे अपनी जज्बातियत में कोई गलत कदम उठाए मुझे इसके मुंह सोच जज्बात पर बंद मानना होगा। बस यही है इस मसले का बेहतरीन। खरी आसमीन से बात करती हूँ कि रमीज के आने का इंतजार ना करे और कम से कम इनकी मंगनी कर दे। क्या बात है, परेशान क्यों? मेरी शाफे से बात नहीं हो पा रही, पता नहीं कल शाम से कहाँ गायब है। मेरे खुदाया, तुम तो छोटी सी बात पे इतनी बेजारी दिखा रही हो। बात का पतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बिजी होगा काम में, जब फ्री होगा तुम्हें कॉल कर देगा। नहीं, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या मतलब? मेरी कल रात को शाफे से बात हुई थी और उससे बात करके मुझे लग रहा था कि वो हमारे रिश्ते की बात से बेखबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस रिश्ते से लाइल्म हो? सारा उसकी रजामंदी के बगैर यहाँ कैसे आ सकती है? उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सारा अकेले तो नहीं ले सकती ना। तो फिर वो शॉक्ड क्यों हुआ था मुझसे बात करके, ऐसे जैसे मैंने कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात कर दी हो। पहले वो खामोशी से मेरी सारी बात सुनता रहा, उसके बाद कोई रिएक्ट किए बगैर उसने फोन काट दिया और कल से अब तक उसने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। कह करना तो दूर की बात। ये भी तो हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो। I'm really sorry, आपको खामखा मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे गैर समझते हैं। अभी भी मैं अजनबी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं आपको गैर समझती तो इस तरह आपकी गाड़ी में नहीं आकर बैठती। ये बात भी ठीक है। अच्छा सुने, वो सुबह से यूनिवर्सिटी थी आप, फिर अब बाहर खड़ी हुई इतनी देर, भूख तो लाजमी लग गई। Let's go and have some lunch. नहीं नहीं, आप मुझे ड्रॉप कर दें, मेरे लिए यही बहुत है। दरअसल खाने पर इंतजार कर रहे होते हैं बाबा और मामा, और अगर मैं किसी वजह से भी ना खाऊं ना तो उनकी भूख भी खत्म हो जाती है। तुम उसकी आदतों को तो जानती हो ना, हो सकता है वो जानबूझकर अनजान बन रहा हो। नहीं, शाफे इतना अच्छा एक्टर नहीं है, हर एक अंदाज से वाकिफ हूँ, बचपन से जानती हूँ उसको। वो खुश नहीं था इस रिश्ते से। हो सकता है ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ हो ही नहीं। नहीं मामा, कुछ गलत जरूर है, शाफे इस रिश्ते से खुश नहीं। आपको पता है आप बहुत लकी हैं। माँ बाप तो अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेवरेट होते हैं। So you're the lucky one. शाफे भी ऐसे ही कहते हैं। शाफे, ये if I'm not wrong, तो ये आपकी कजन है, right? चचा साथ हैं। पहले हम एक ही घर में रहते थे, फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर मुलाकात जरा कम होने लगी, मगर अब बातचीत दोबारा होगी। तो बहुत मजा आता होगा, सारे कजन इकट्ठे होकर बैठते होंगे, ढेर सारी मस्ती करते होंगे। Yes. You know, must be fun. Yes. चलें फिर एक काम करते हैं कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, लंच ड्यू रात पे। अच्छा तुम रोना तो बंद करो ना, मैं सारा से खुद बात करती हूँ। आप सारा आंटी से बात नहीं करेंगी, वो परेशान हो जाएंगी, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बात करती। अब रोना तो बंद करो ना, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसा तुम सोच रही हो। मुझे बहुत जल्द कोई फैसला करना होगा,
मामा को अगर बर वक्त मैंने दिल की बात ना बताई तो पछतावे के सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन क्या ताया जान मान जाएंगे? मगर ताया जान से भी पहले मुझे दिलनशी से बात करना होगी। वो राजी हुई तो ताया जान को मनाना मुश्किल काम नहीं। इस घर में दुल्हन बनकर सिर्फ दिलनशी आएगी मेरे बाबा का ख्वाब पूरा करने। और मामा के लिए भी मेरी खुशी अहम होनी चाहिए। काश मैं उन्हें ये बात समझा सकूं कि मेरी खुशी और जिंदगी की बका किस में पोशीदा है और मेरे दिल की खुशी सिर्फ दिलनशी है। नौरीन, नौरीन पानी का एक ग्लास लाओ। शाफे इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मामा बाद में देख लूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। आओ इधर तो आओ, देखो तो सही ये मैं क्या लाई हूँ। किसके लिए? फरहीन के लिए, तुम लोग की मंगनी के लिए। मुझे लगता है ये कलर फरहीन पे बहुत अच्छा लगेगा। What do you say? मामा ये आप क्या कर रही? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे फरहीन से मंगनी नहीं करनी। शाफे से मेरी भी खुशी है। ये आपकी खुशी नहीं सिर्फ सेहत है। शाफे बेहतर है आप ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर दें। शाफे ये जाके ना ऊपर अलमारी में अच्छी तरह हैंग करो। हाँ खराब ना। ठीक है जाओ तुम। तुम्हारे ताया जी का क्या हाल है? आप क्यों पूछ रहे? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मंगनी का कार्ड दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने। मामा आपको क्यों लगता है जिन लोगों के आपने आज तक दुख नहीं बांटे वो आपकी खुशियों में क्यों शरीक होंगे? बेटा मेरी खुशियां तो उनके बगैर मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं ना। बाद में कहीं तुम मुझसे गिला ना करो कि मैंने उन्हें बुलाया नहीं। जब मेरी खुशी का वक्त आएगा ना मामा तब वो लोग बिना बुलाए आ जाएंगे। फिलहाल ऐसा कोई वक्त नहीं आया, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। बेटा क्यों जिद लगा रहे हो मुझसे? मामा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी पसंद की शादी मेरा हक है और आप इस हक से मुझे महरूम नहीं कर सकते। किसकी जुबान बोल रहे हो? किसके सिखाने पे इतनी बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ? अपने हक की बात करना बदतमीजी नहीं होती मामा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे में इतनी अखलाकी जुरत है। और हाँ सवाल कि वो कौन है तो कहता काफी नहीं कि वो आपके बेटे की खुशी। एनीवेज मैं आज शाम की फ्लाइट से दोस्तों के साथ मरी जा रहा हूं। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं लेता हुआ आऊंगा। आप तो हॉस्पिटल में होंगे लिहाजा आपसे बात नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी से खुदा हाफिज कह रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। शाफे का दो दिन से कुछ अता पता नहीं है। इतना गैर जिम्मेदार तो वो कभी भी नहीं रहा। मुझे जाकर पता तो करना चाहिए कम से कम
आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? शाफे, वेयर आर यू? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बताओ कहाँ हो तुम? फरीन, कहाँ जा रही है इस वक्त? मैं सारा आंट के घर जा रही हूँ। खैरियत तो है? शाफे का दो दिन से कुछ पता नहीं है, न कॉल न मैसेज, और सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं है उसकी। आई एम वरीड अबाउट हिम। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात हो गई हो। अरे वो अपने काम में मसरूफ होगा, जैसे ही फ्री होगा तुमसे रब्ता कर लेगा। मामा आप समझ नहीं रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जितना भी बिजी होता है मुझसे कांटेक्ट करता है। आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन प्लीज ड्राइव केयरफुली। जब तुम टेंशन में होती हो ना तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। बल्कि ऐसा करो कि दो मिनट ठहर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, इट्स ओके, आई विल ड्राइव केयरफुली, आप परेशान ना हो। अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मतलब? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल? मेरा ध्यान इस वक्त किचन में, बाबा की फरमाइश पे उनके पसंद का खाना बनाने लगी हूँ। ताया जी की पसंद का खाना यानी मटन कढ़ाई? मुझे तो सुनकर ही भूख लग गई। रियली? अगर आपको भी इतना पसंद है तो आप आ जाए ना। तो मैं एक बार कह के तो देखो, मैं अभी की अभी तुम्हारी दहलीज पर हूँ। शाफे, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, आएगी कोई आया है घर पे? ओके बाय। शाफे, माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आओ ना, आओ। मैंने कहा था कि तुम एक बार हामी तो भरो, मैं फौरन से आ जाऊंगा। देख लो। इंप्रेस। आओ ना। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सेम हियर। मामा तो आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने और आपके really? बहुत अच्छा किया तुमने, तुम आ गए शाफे। तुम्हारी वैसे ही बड़ी कमी महसूस हो रही थी, और मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि तुम मसरूफ हो गए,
फिर ना आ सके तो फिर गिल्टी फील करोगे। अरे ताया जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खुद आना चाहता था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं फौरन से आ गया। जी तो बड़ी अम्मी को छोड़ के जाना पड़ा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो मुझसे बहुत नाराज होंगी ना? नहीं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे। लेकिन माँ को भी तो कोई शिकवा शिकायत हो सकती है ना? नहीं शिकायत भी नहीं हो सकती बिल्कुल। तुम जैसे अच्छे बेटे से किसी माँ को कैसे शिकायत हो सकती है भला? सच पूछो तो तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। दिल को सुकून सा मिला कि तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा। आपका ख्याल मैं कैसे ना रखूं? बचपन से आप ही ने तो मेरे लाड नखरे उठाए। इंशाल्लाह मैं जल्दी चक्कर लगाया करूंगा। हाँ बेटा ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, इस तरह कम से कम तुमसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहा करेगी। सर आंटी शाफे कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं बता के क्या? कहाँ गया है? मरी गया है ना दो दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ। मरी गया है? किन दोस्तों के साथ गया है? मैं उसके सब दोस्तों को जानती हूँ, हम लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो पता है उसे एकदम बुखार चढ़ जाता है सैर सपाटे का। मैंने तो पूछा भी नहीं किन दोस्तों के साथ जा रहे। हैरत है मुझे बताकर भी नहीं गया। मुझे भी कहाँ बताया था, सुबह जाने से पहले बताकर गया है बस। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कोई नाराजगी चल रही तुम दोनों के दरमियान? नहीं मैं परेशान नहीं, और आप जानती हैं मेरा और शाफे का झगड़ा नहीं होता। ओह हो सकता मेरा वहम हो,